नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द अल्टीमेट रिव्यूअर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो हमारी गाड़ी है वो सीट बेल्ट का अलार्म कब देनी शुरू होगी। तो यह है हमारे पास टाटा टियागो और आप यहाँ पर देखेंगे कि अभी सीट बेल्ट वगैरह मैंने नहीं लगाई है, तो स्पीड में डालता हूँ, फर्स्ट गियर में डालता हूँ, देखते हैं कि कितने स्पीड तक ये अलार्म नहीं देती है। तो फर्स्ट गियर से हम स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो आप 7-6 की स्पीड में चल रही है गाड़ी कुछ इस तरह से, तो अभी कोई भी अलार्म नहीं बज रहा है। ठीक है, तो अगर डोर लॉक भी नहीं है तो 6 की स्पीड में तो कुछ इस तरह से चलती रहेगी। अगर थोड़ा सा और तेज करते हैं हम 8-10 किलोमीटर पर आर की स्पीड अगर हम ले लेते हैं तो भी कोई अलार्म नहीं बजता है। तो 10 किलोमीटर पर आर से ऊपर अगर गाड़ी जाएगी तो डोर ऑटो लॉक हो जाता है इसमें। उसके बाद ये है कि 10 किलोमीटर तक देखो कोई भी सीट बेल्ट का अलार्म नहीं दे रहा है। 12 की स्पीड हम पहुंच चुके हैं तो भी सीट बेल्ट नहीं दिया। 13 की स्पीड हमने कवर कर लिया है तो भी अभी भी सीट बेल्ट का अलार्म नहीं सुनाई दे रहा है। तो थोड़ा सा और 14 बढ़ाते हैं तो 14 की स्पीड में भी देखो सीट बेल्ट का अलार्म नहीं आया। ठीक है, तो थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाते हैं 15 तक। तो जैसे ही गाड़ी अभी हम 15 करते हैं तो क्या होता है, ठीक 15 की स्पीड में आप देखो सुनाई दे रहा है आपको अलार्म। तो अभी 15 की स्पीड जैसे ही गाड़ी ने पकड़ी तो सीट बेल्ट का अलार्म देना शुरू हो गया, और जब तक हम लोग सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो ये अलार्म करती रहेगी। तो अगर आपके पास भी कोई टाटा टियागो है या फिर कोई और कार, तो आप भी ये एक्सपेरिमेंट करके देखें कि कितने तक की स्पीड में हम बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चला सकते हैं। तो 15 की स्पीड से जैसे ही ऊपर जाती है तो अलार्म बजना शुरू हो जाता है। तो इतना ही कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो इसको लेकर तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और बाहर का नज़ारा देख लीजिए कुछ इस तरह से है। वीडियो जो बन रही है ये iPhone 15 Pro पे बन रही है, तो वीडियो का आउटपुट कुछ इस तरह से है। इंडोर में मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से ये बैकग्राउंड को ब्लर कर देता है। तो यहाँ पर देखो अगर मैं फोकस करता हूँ इधर तो सामने का बैकग्राउंड काफ़ी अच्छे से ब्लर हो जा रहा है, और वही अगर मैं बाहर की तरफ लेके जाता हूँ इसको तो भी फोकस में आ चुका है सब कुछ और वीडियो काफ़ी अच्छा बन रहा है। तो चलिए इतने कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव इसको लेकर तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपके सभी सवालों का जवाब दे सकूँ। तो इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।